नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ ओके क्रेडिट में। और आज फिर एक बिजनेस आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और ये बिजनेस आइडिया आपको लॉस के स्कोप कम देगा और मुनाफे के स्कोप ज़्यादा देगा। क्योंकि जहाँ भी आप कोई ऐसा बिजनेस शुरू करते हैं जो महिलाओं की पसंद को दर्शाता है, तो उसमें लॉस थोड़ा मिनिमम होता है। क्योंकि महिलाओं को पसंद होता है बहुत अच्छा दिखना, मेकअप करना, या फिर अच्छे से स्टाइलिश से बैग्स कैरी करना। तो आज मैं आपको लेडीज़ बैग के बिजनेस के बारे में बताऊँगी और तमाम पहलू उसके समझाऊंगी कि कैसे आप स्टार्टअप कर सकते हैं इस बिजनेस का, और किस तरह से आप इस बिजनेस को शुरू करने के लिए शुरुआती दौर में कितना आप पैसा लगा सकते हैं, और उसके बाद आप कैसे इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक, वीडियो को देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइएगा, और साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि किस तरह के वीडियोज आप और देखना पसंद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आइडिया के साथ कि लेडीज बैग का बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं। लेडीज बैग का बिजनेस कैसे शुरू करें? बैग्स की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है अपना सामान सुरक्षित रखने के लिए, ताकि आप अच्छे से अपने काम का सामान अपने साथ लेकर चल सकें, और वो भी सुरक्षित। मार्केट में हमेशा से ही बैग्स की डिमांड रही है, वो चाहे कपड़े रखने का बैग हो, स्कूल बैग हो, साइड बैग हो, ऑफिस बैग, ट्रैवल बैग, किड्स बैग, लैपटॉप बैग, अन्य बैग आदि। ऐसे में यदि आप बैग का बिजनेस करते हैं तो ये एक बेहद अच्छा बिजनेस आइडिया होगा, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जो सदाबहार है, जो हर मौसम में हर महीने चलने वाला है। यदि आप इस बिजनेस को करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आप किस तरह के बैग्स का बिजनेस करने जा रहे हैं। मतलब क्या आप ट्रेवल, स्कूल, लेडीज आदि तरह के बैग का एक साथ शुरू कर रहे हैं बिजनेस, या फिर किसी एक कैटेगरी को ही लेकर बिजनेस शुरू करेंगे। यहाँ हम आपको बता रहे हैं लेडीज बैग का बिजनेस आइडिया कि आप लेडीज बैग का बिजनेस कैसे शुरू करें। सही जगह का चयन करें और इंटीरियर का भी रखें ख्याल। यदि आप लेडीज बैग बेचने का व्यवसाय करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक अच्छी जगह का चयन करना होगा। सबसे पहले एक ऐसी जगह ढूंढें जहां दुकान या शोरूम ऐसी जगह होनी चाहिए जहां महिलाओं का अधिक आना जाना हो। कोशिश करें कि दुकान या शोरूम मुख्य मार्केट में हो। दुकान का इंटीरियर साफ सुथरा, पॉजिटिव वाइब्स वाला हो, जिससे महिलाएं और अन्य लोग आकर्षित हों और वो आपकी शॉप पर आ सकें। इस बिजनेस में कितना निवेश लगेगा? यदि आप दुकान या शोरूम ऐसी जगह लेते हैं जो मुख्य मार्केट हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि एरिया के हिसाब से उसका किराया और बजट आएगा। ये दुकान चौराहे या ऐसी जगह पर हो जहां महिलाओं का आवागमन ज्यादा हो। ये दुकान 8,000 रुपए से 10,000 रुपए तक किराए पर मिल जाएगी। दुकान को सजाने वाला और आकर्षित बनाने में लगभग 50,000 रुपए से 60,000 रुपए तक का खर्चा आएगा। दुकान तैयार होने के बाद लगभग 2,00,000 रुपए तक की आवश्यकता होगी, जिससे लेटेस्ट फैशन के अनुसार माल भरा जा सके। उद्योगी यहां से ले सकते हैं बैग्स। आमतौर पर छोटे शहर के उद्योगी कानपुर, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों से माल लेते हैं। इसके अलावा आप अपने शहर के थोक विक्रेताओं से भी बैग ले सकते हैं। माल लेते समय एक बात का विशेष ख्याल रखें कि जो भी बैग लिया जाए वो लेटेस्ट फैशन और अच्छी गुणवत्ता को ध्यान में रखकर लिया जाए, जिससे कि ग्राहकों का विश्वास बना रहे। लेडीज बैग के व्यवसाय में मुनाफा। लेडीज बैग के शॉप में ज्यादा स्टाफ की आवश्यकता नहीं होती, मात्र एक व्यक्ति को रखकर ही आप दुकान चला सकते हैं। इसमें अत्यधिक अतिरिक्त खर्चे नहीं है, इस कारण इसमें मुनाफे का प्रतिशत दर और बढ़ जाता है। अच्छी गुणवत्ता के साथ और कम मार्जिन के साथ भी अगर ये व्यवसाय किया जाए तो 35% से लेकर 40% तक मुनाफा आसानी से हो जाता है। रजिस्ट्रेशन और लोन। लेडीज बैग की दुकान के लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के व्यापार के लिए विशेष लाइसेंस या परमिट की आवश्यकता नहीं है। यदि आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो ये आपके लिए और आपके व्यापार के लिए कई प्रकार से लाभदायक होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यदि उद्योगी को लोन की आवश्यकता होगी तो वो आसानी से बैंक द्वारा मिल जाएगा। साथ ही भारत सरकार द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए MSME के अंतर्गत चलाई जा रही योजनाओं का लाभ भी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही मिलता है। लेडीज हैंडबैग के व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन आप MSME से संबंधित वेबसाइट पर ऑनलाइन करा सकते हैं। तो देखा आपने लेडीज बैग के बिजनेस में किस तरह से आप स्टार्टअप ले सकते हैं और कितना लागत है जो आपको लगानी होगी, और उसके बाद कैसे आप धीरे 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 अपना बिजनेस जो है बिल्डअप कर सकते हैं। दोस्तों, रिस्क फैक्टर हर बिजनेस में रहता है, लेकिन ये रिस्क उठाना पड़ेगा। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं किस्मत ज़रूर मायने रखती है, और बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो हालांकि किस्मत पे पूरी तरह से निर्भर मत होइए, आपको खुद भी हिम्मत करनी पड़ेगी, और किस्मत भी उसी का साथ देती है जो खुद कुछ आगे करने का कहते हैं ना कि दम रखते हैं। तो किस्मत भी उनके साथ खुद चल सकती है, और किस्मत आप खुद बदल सकते हैं। इसी अच्छे नोट पे मैं आपसे इजाजत मांगूंगी, फिर आऊंगी एक अच्छे से बिजनेस आइडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।